हेलो सभी को, अगर आपके दोस्तों के सामने आपकी पैंट फट जाए तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? आप तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आज हमारे हीरोज ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग स्टेडियम में नाक में उंगली करते हुए कैमरे में पकड़े गए हैं। अगर आपको ऐसी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट देखने में कोई परेशानी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये सचमुच बढ़िया लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारा एक सवाल है, इसे पहनकर आप कैसे चल पाओगे? अच्छा ऐसे? Doesn't look too graceful. वैसे ऐसा stunning dress पहन के एक photo session करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त ये एक epic fail लगने वाला है। हमें इस लड़के पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। अरे भाई, मुंह में एक ट्रीट रखने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था ना। बहुत से लोग ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आराम से नीचे गिरा हुआ वेग उठाया और ऐसा जताया जैसे बारे कुछ हुआ ही नहीं है। एक बार टीवी के एक मेकअप आर्टिस्ट ने कॉस्ट्यूम असिस्टेंट बनने का फैसला किया और इसका नतीजा ये हुआ। बेचारी को पता नहीं था कि टीवी होस्ट का ड्रेस एक धागे से लटका हुआ है। बाय द वे, उस दिन स्टूडियो लाइव नहीं जा पाया क्योंकि होस्ट कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन शायद वो भूल गया कि इंटरनेट से कुछ नहीं छिपता भाई साहब। Well, दोस्तों, स्टेडियम एक ऐसी जगह है जहां हर कोने पर कैमराज लगे होते हैं। बहुत से लोग कैमरे पर आने के लिए तरसते हैं। As well. वहीं कुछ लोग अपनी सीक्रेट हॉबीज में इतने खोए रहते हैं कि इन पर ध्यान भी नहीं देते। हमें यकीन है कि ऐसे लोग दोबारा स्टेडियम में कदम नहीं रखेंगे। इस बस ड्राइवर ने अपनी शिफ्ट पूरी की, स्कीयर्स को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया और एक कॉफी लेने चला गया, लेकिन अपनी पहली सिप लेने से पहले किसी ने एक स्की से उसकी खिड़की तोड़ दी। पता नहीं ये लड़का क्या करना चाहता था। और तो और, अपने पैरों में एक स्की होने के बावजूद वो कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भाई, क्या तुमने लॉजिक के बारे में सुना भाई साहब? हम सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, राइट? जी हाँ, यही अच्छी बात है कि यहाँ लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा। पता नहीं इसे सोशल मीडिया पर किसने लीक कर दिया। एक कार गैस स्टेशन, रात के 3 बजे, ऐसे समय और ऐसी जगह पर आप किस तरह के लोगों से मिलने की उम्मीद करोगे? Well, शायद इन दो लोगों जैसे, लेकिन इन दोनों ने यहाँ एक पुलिस वाले के आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। ये लड़का इंटरनेट का हीरो बन गया है, क्योंकि उसने जो किया है वैसा शायद कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसे उस बात का जरा भी पछतावा नहीं है। लेकिन ये रिपोर्टर इतनी शांत क्यों है? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया है? उम्मीद है इस लड़के के पास एक और पैंट हो गया, नहीं तो ये सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाएगी। अगर कोई हमें सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट का मतलब पूछे तो हम उसे कैटी पेरी के परफॉर्मेंसेस का ये वीडियो दिखाते हैं। कैटी, अगली बार जब बांसुरी बजाना हो तो अपने डांसर से कह देना, शायद वो आपसे बेहतर कर पाए। आपको अकवर्ड सिचुएशन के बारे में पता ही क्या है? इस लड़की का दांत एक लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान टूट गया, लेकिन ये जरा भी नहीं हिचकिचाई। अगर उस समय किसी डेंटल क्लिनिक या टूथपेस्ट के बारे में बात कर रही होती तो और भी मजा आ जाता। ये वीडियो आपको साफ साफ बता देगा कि बारिश में अपनी डेट को ऐसी जगह ले जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, भले ही फिल्मों में कितना भी रोमांटिक क्यों ना लगे। पता नहीं इस वीडियो में क्या चल रहा है भैया, लेकिन एक बात पक्की है कि ये प्रैंक बिल्कुल सफल रहा। हमें तो लगा था कि सांप और मगरमच्छों के देश में रहने वाले लोग किसी भी चीज से नहीं डरते होंगे,
लगता है इस टर्टल से भी एम्बैरेसमेंट देखा नहीं जा रहा। लेकिन एक दोस्त अपने स्मार्टफोन कैमरे के साथ बिल्कुल सही समय वहां मौजूद था। चलिए एक शर्त लगाए, क्या ये अपने दोस्त की मदद करेगा या दूर से मजा लेता रहेगा? ये हर मॉडल का वर्स्ट नाइटमेयर है, एक बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैट वॉक करते हुए गिर जाना। क्या ऐसी सिचुएशन में भी कोई ग्रेसफुल लग सकता है? लगता है सिर्फ बिल्लियां ही ऐसा कर पाती होंगी, हालांकि वो हर बार ऐसा नहीं कर पाती। एक मजबूत एथलीट जब किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस जाए तो वो क्या करेगा? That's right, वो अपनी माँ को बुलाएगा। क्योंकि एक माँ किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। अरे दोस्तों, एक बात बताओ कि आपको बचपन में ही डर लगता था कि आपकी मम्मी आपको कहीं अकेले छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी? पता चला है कि सिचुएशन इससे भी खराब हो सकती है। अगली बार जब ये माँ अपने बच्चे को लेने आए तब इस किंडरगार्टन का स्टाफ उस पर पूरी नजर रखेगा। इस बंदे की कहानी हमें एक चीज सिखाती है, अपनी किस्मत की परीक्षा नहीं देनी चाहिए, खासकर तब जब आप शो ऑफ करना चाहते हैं। अब इसे अपनी करतूत का इतना पछतावा है कि हमें भी इस पर तरस आ रहा है। भैया कभी कभी हमारी एक्शंस का कोई लॉजिक नहीं होता। पता नहीं रिपोर्टर क्या सोच रही थी जब उसने इस रस्सी को पकड़ने का सोचा। वैसे इस आदमी का रिएक्शन और भी सवाल खड़े करता है। पता नहीं इसने तुरंत अपना नेकलेस क्यों उतारा। अगर आपको कोई आइडिया हो दोस्तों तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ यार। ये वो दृश्य है जब आप नाचने में इतने खो जाते हैं कि आप असली जिंदगी को पूरी तरह भूल जाते हैं। सारे परफॉर्मेंस हर किसी को लंबे समय तक याद रहेगी, लेकिन फिर भी हम एक सलाह देना चाहते हैं, जब भी आप कहीं नाचने जाएं तो ध्यान रखें कि आपने सही साइज की पैंट पहन रखी है कि नहीं। भले ही हम माने या ना माने, लेकिन हर कोई उड़ते हुए कीड़ों से डरता है। लेकिन ये व्यक्ति बेहद अनलकी था, क्योंकि इसकी एम्बैरेसिंग सिचुएशन अब हमेशा के लिए इंटरनेट पर मौजूद रहेगी। जी हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट किसी को नहीं बख्शते भैया। ए, आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपरचार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य, आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।